विख्यात सिंगर अमन त्रिखा जी हमारे साथ हैं। ये एक ऐसा नाम है कोई जिसको किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है। इनके गाने सुबह हिट गए हैं, रेत रतन धन पायो सहित विभिन्न फिल्मों में इनके गीत इतने मशहूर हुए हैं जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैं तो चाहूँगा कि ये मेरे गौरव का विषय है कि मैं आज अमन त्रिखा जी के साथ बैठा हूँ, जिन्होंने संगीत की दुनिया में इतनी कम आयु में बहुत बड़ा नाम मुकाम प्राप्त किया। मैं बधाई दूंगा सबसे पहले। आज यहाँ मुंबई में इनको दादा साहब पार्क टी वी अवार्ड से पाया गया, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और आपको आए दिन ऐसे बड़े बड़े अवार्डों की नवाजा है। मैं चाहूँगा कि जो आपकी सिंगिंग शुरू हुई है कहाँ से हुई है, जनवरी क्योंकि सक्सेसफुल स्थिति हम आपकी शेयर कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि वो आपको लगता नहीं ये गीत जो आपको खुद के गाए हुए हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा सा लिरिक्स के अंदर दो दो पंक्तियाँ गाएंगे तो जो दर्शक हैं वो सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक मिनट ये बंद करवा दूँगी टीवी। नहीं नहीं ठीक है। तो मेरी शुरुआत तो ऐसा था कि हुई दो हज़ार पाँच में, जब मैं समझ में आया कि मैं गा सकता हूँ, तभी मुझे समझ में आया उससे पहले मैं गा सकता हूँ या नहीं। मैं कीबोर्ड बजा करता हूँ बट सिंगिंग नहीं निकल गया। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था फर्स्ट ईयर में था इंजीनियरिंग, और फिर मैंने फिर वहाँ के अपने कॉलेज के जो एनुअल फंक्शन होते हैं उसमें पार्ट लिया, उसमें गाना शुरू किया, दूसरे कॉलेज के कॉम्पिटिशन में गाना शुरू किया। और वैसे वैसे वो सिलसिला चलता रहा और फिर धीरे धीरे मैं साथ साथ स्ट्रगल भी करनी शुरू कर दी। मैंने कंपोजर म्यूजिक डायरेक्टर्स के स्टूडियोज में जा जाके प्रोड्यूसर्स को मिलना, डायरेक्टर्स को मिलना, एक्टर्स को मिलने की कोशिश करना। तब तो सीडी चलती थी, तब तो ना फेसबुक था ना यूट्यूब था ना कुछ था, तो तब सीडीज लेके रिकॉर्ड अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके मैं दर दर घूमता था। जो एक एक यूजुअल संघर्ष होता है जो एक चप्पल घिसना जूते घिसने वाला जो संघर्ष होता है वो किया, क्योंकि मेरी मेरे परिवार से कोई इसमें ताल्लुक नहीं रखता है इस इंडस्ट्री में। मुझे पता था कि बहुत रास्ता कठिन होने वाला, लेकिन खुद पे विश्वास था, यकीन था, जुनून मुझ में संगीत का जो था उसको देखते हुए मुझे लगा कि हाँ मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो पहुँचूँगा। आपने खुद के भी लिखी है? मैं लिखता हूँ और कंपोज भी करता हूँ। बहुत बड़ी बात है कि लिरिक्स भी लिखे हैं, कंपोज भी कर लेते हैं। कंपोज कर लेते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ा काम हो जाता है। आपकी सक्सेसफुल स्टोरी ये भी मिलता है कि आदमी को अपने अंदर क्षमताओं को देखना चाहिए। उन्होंने आपकी क्षमताओं को देखा और आप इतने बड़े मुकाम तक पहुँचे। तो मैं चाहूँगा कि कुछ गाने जो आपके खुद के गाए हैं जो बहुत ज़्यादा बहुत पॉपुलर हुए हैं, जिनको लोग गुनगुनाते हैं ट्रेन में, पेट्रोल पंप पर, होटल्स में, चाय के, उनको कुछ आप गुनगुनाएं तो दो लाइन तीन चार गानों की। डके मट के झटके मारे हैं तो अज सोला तो हम रिपोवारे हैं तो असमर पे हैं तो जान जा रहे हैं हम चाहे दम इसलिए दम कसम तेरी कसम तुझे यार छोड़ेंगे ना हम गोविंदा। ये मेरा पहला गाना था मेरे जीवन का फिल्मी गाना गो गोविंदा प्रभु देवा सोनाक्षी सिन्हा ओ माय गॉड फिल्म थी 2012 में। उसके बाद तेरी कट जैसी बात तेरी स्वीट स्वीट टॉक तेरा हार्ड डूडू मत सोनी है तेरे से जैसे गाल तो है माइंड ब्लोइंग माल आज न चले है सोनी न चले थोड़ी न चले ये समान का। तो एक ये गाना एक हो रे दे आज हल्ला देखे गली मोहल्ला चाहत के माध चंदन काटी का प्रेम लीला। ये प्रेम चंदन पाए सलमान खान के लिए, शाहरुख खान के लिए गया नी बटर फलाई बन के तुले अंगड़ाई बन के पिया जा कुड़ी आ जा के तुम्हें जब हैरी मेट से बहुत जाने माना वरुण धवन के लिए
फिर बच्चन साहब के लिए भी गाने का सौभाग्य मिला, ए दुनिया पावे पंगे, फिर बोले हर हर गंगे, कम कर दे सारे मंगे, फिर बोले हर हर गंगे, इतना तो डांस कर। और इसी के बीच बहुत सारे और भी, तेरी अखियों का वार जैसे शहर का शिकार, तेरे प्यार का नशा कभी यार कभी पार, तेरा प्यार 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 हुक्का बार, ये तो बहुत इटका लगता है। और इसी के बीच इतनी धमाल धमा चौके के बीच कुछ गाने ऐसे भी थे जो सुकून पहुंचाए, हम तुम्हें कैसे बताएं तुम्हें क्या क्या बात है, तुमसे दिल में शायरी है इश्क की सौगात है। आज जो मिर्जापुर से इतने फेमस हुए हैं मुन्ना, वो दिव्येंदु शर्मा वो थे इस फिल्म, अनुपम खेर साहब थे, बहुत अच्छी फिल्म थी किस्तों की सलाम, ये गाना था हफ्तों में कैसे फिल्म। ऐसी करो आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, आप लोगों का साथ मिलता रहे, दुआएं मिलती रहें, तो और जो है मैं लोगों के सामने अपना मनोरंजन आपका मनोरंजन कर सकता हूँ, अपना मैं अपने गाने अपनी मैं प्रस्तुति रख सकता हूँ। धन्यवाद आपका, आप इतने ऊँचे पहुँचे हैं लेकिन आपकी बात तो आता है, आपको ऐसा नहीं है। धन्यवाद।